जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जब ये सीन आता है ठाकरे फिल्म के अंदर, मेरी एक रिस्पेक्ट ठाकरे जी के प्रति और बढ़ जाती है। आपको बता दूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने इसमें अमेजिंग काम किया है और बाला साहेब ठाकरे का जो एक वर्चस्व था, जो एक ऑरा था, वो हमें दिखता है नवाज भाई के परफॉर्मेंस में। इस पर्टिकुलर सीन को पहले मेंशन करता हूं, मैं बताता हूं। इस सीन में वो कहते हैं कि मेरे लिए पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा राज्य है, और हम सब ताली बजाते हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं दूसरे दिन, यानी कि 26 जनवरी को ठाकरे फिल्म कितना अच्छा बिजनेस कर सकती है। देखिए, बिजनेस करने से पहले आपको बता दूं, दर्शकों के दिलों को भारी है फिल्म, और महाराष्ट्र में फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, स्पेशली मराठी लैंग्वेज में। दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, मराठी एंड हिंदी, तो मराठी लैंग्वेज में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। हिंदी क्षेत्र धीरे धीरे उपज रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेट्स सी, उसका रिजल्ट अभी आपको बताता हूं। पहले दिन फिल्म कमाती है 6 करोड़ का अमाउंट। टक्कर भाई मणिकर्णिका से थी, तो मणिकर्णिका ज़्यादा आगे चली गई ठाकरे से कंपेयर टू, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों 6 करोड़ कमाती है फिल्म। दूसरे दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दूसरे दिन की कमाई ही सबसे ज़्यादा मेजर है। दूसरे दिन छुट्टी का दिन है, दर्शक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देखकर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और हमें अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है, स्पेशली वहां पर जहां पर मराठी में लगी हुई है ये फिल्म। ओके, तो बात करें अगर ठाकरे फिल्म की, तो दूसरे दिन ठाकरे फिल्म 8 से लेकर 10 करोड़ कमा सकती है, अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन। जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है, जिस तरीके से मैंने चीजों को एनालाइज किया है, तो उनके बेसिस पर 8 to 10 crores का ट्रेमेंडस अमाउंट कमाएगी फिल्म, और ये अच्छी बात है। धीरे धीरे फिल्म इंक्रीज करेगी। मैं चाहता हूं कि फिल्म इंक्रीज करने से के साथ साथ दर्शकों के दिलों में घर भी करे, क्योंकि पार्ट 2 आने वाला है, टू बी कंटिन्यूड। आपका क्या है प्रेडिक्शन? आपको कैसी लगी फिल्म? कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं, और बने रहो मेरे साथ। राहुल भोज इसी तरीके की बातें लेकर आएगा। टेक केयर।